मुझे मिस्टर रणवीर कपूर पसंद थे ना, तो उनको जो जो पसंद आने लगा मेरे को पसंद आने लगा, मैं क्या करूं, एक्टर ही बनना है। एंड वेलकम, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ दीपमाला। वेल, आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। किससे खास बातचीत करेंगे ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लव आजकल में काम किया है। इसके बाद हाल ही में इनकी सीरीज आई है जियो सिनेमा पे, दो गुब्बारे, जिसमें इन्होंने गुब्बारे बनाए। जस्ट किडिंग, मैं बात कर रही हूँ सिद्धार्थ शॉ की। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच दैनिक जागरण के व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस। शुरुआत करते हैं आपकी जो अभी हाल ही में सीरीज आई है दो गुब्बारे, उससे शुरुआत करते हैं। तो इसके बारे में पहले आप मुझे बताइए, कैसा लगा काम करके, क्या रहा आपका इसमें इनपुट और बाकी कुछ कैसा रहा मॉल? जी, वेरी ऑनेस्टली काम करके तो बहुत मजा आया, बिकॉज आई हैड नेवर वर्कड विद मराठी सिनेमा पीपल एंड दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद पीपल who are based out of Maharashtra and their core is Maharashtra and they're Marathi themselves. तो कहीं ना कहीं हमारे देश में थिएटर की जड़ भी महाराष्ट्र है, बाल गंधर्व थिएटर है हमारे पुणे में, एंड सो आई पर्सनली फील द काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन विच इज़ देयर इन देयर वर्क इज समथिंग विच इज़ वेरी कमेंडेबल एंड इज समथिंग वी एज एन इंडस्ट्री शुड ऑल्सो गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइन ऑफ वर्क। तो बड़ा मज़ा आया मुझे वेरी ऑनेस्टली, और मज़े के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बिकॉज इतने वेटरन्स के साथ मेरे को काम करने का मौका मिल रहा था। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे पहला लीड किरदार ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिला। अच्छा, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं ट्रेलर देख रही थी दो गुब्बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इसका ट्रेलर है, और आपके और आपके साथ जो स्टार को स्टार हैं आपके, उनके साथ जो आपकी केमिस्ट्री है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमें वीडियो में भी जो ट्रेलर है इसमें भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग जो है देखने को मिला था। जी, जैसे कि आपने कहा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री आपको स्क्रीन पे दिखी है, वैसी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री हमारी आपस की भी है। एंड ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर डॉक्टर मोहन अगाशे, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि उनके साथ मुझे उन्हें काम करते देखने का मौका मिला है। उनके साथ काम करना तो सेकेंडरी है, बट उनको देखकर ही इतना कुछ सीखने को मिला है मुझे, विच इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर मी एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ माई करियर ओनली, कि मुझे उन्हें देखकर उनकी प्रैक्टिसेस अपनी प्रैक्टिस में इम्बाइब करना मैं चाह रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ही इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन एज ही इज़ इन द शो, एंड बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड होपफुली ऐसे ही अच्छे लोगों के साथ काम करता रहूँ तो मैं भी सीखते रहूंगा और बढ़ता रहूंगा। अच्छा, ये बताइए दो गुब्बारे में कैसे, मतलब आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे आपको रोल मिला, कैसे ऑडिशन दिया आपने? तो जियो स्टूडियोज़ एक नए फेस की तलाश में था उनकी सीरीज़ के लिए, दे रीच्ड आउट टू अ टैलेंट मैनेजमेंट फर्म जहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं जो काम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल करा और बोला वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग लाइक दिस। हमारे डायरेक्टर मिस्टर वरुण नवेंकर की एक फिल्म है मराठी में मुरांबा, तो वो मैंने देखी और फिर मेरे पास मटेरियल आया, मैंने पढ़ा, मैंने टेस्ट बनाया एंड मैंने भेजा। विद इन अ वीक मुझे कॉल बैक आया एंड दे सेड दैट दे वांटेड टू मीट एट द जियो स्टूडियोज ऑफिस इन BKC बांद्रा, एंड मैं गया वहाँ। वहाँ प्रोड्यूसर्स थे, जियो के प्रोड्यूसर्स थे, हमारी डायरेक्शन टीम थी, हम उनसे मिले, हमारे डायरेक्टर साहब से। The girl who's there with me, Malhar, she plays Murunmai, she was also there for the meeting. They wanted to do a chemistry test and we met, and ek hota hai na milke kaise aap click ho jate hain, to milke click ho gaye, and that was something which is I think you just hit it off on the right foot and then baki sab kuch sahi automatically sahi path pe chalne lagta hai, so we hit it off only on the right foot, and tab se lekar ab tak to series ban gayi hai, nikal gayi hai, और काफी पसंद भी कर रहे हैं लोग, काफी पसंद कर रहे हैं लोग, टच वुड द रिएक्शन इज वेरी गुड। आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड जिस हिसाब से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, मेरे लव्ड वंस जो हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के अलावा जिन लोगों को मैं बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ और जो शो देख रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं, एक अपनी सी फीलिंग आ रही है उनसे मेरे को, जिस हिसाब से वो अपनी थॉट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं लंबे लंबे मैसेजेस में और कैसे वो अपना कोरिलेशन निकाल रहे हैं उससे, तो इस हिसाब का प्यार अभी तक अननोन लोगों से नहीं मिला है,
तो अभी मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और अगर बात करें शूट में कोई फनी मोमेंट जो आपको काफी अच्छा लगा हो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। जी जी बिल्कुल, सबसे अगर देखा जाए तो फनी मोमेंट ये था कि मैं वैसे दिल्ली से हूँ और लखनऊ में पैदा हुआ था बट पला बड़ा इनिशियली दिल्ली में, तो हम आज बैठे भी दिल्ली में, 5 महीने बाद मैं वापस दिल्ली आया हूँ। तो बात यह है कि जब मैं पुणे गया और वहाँ शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ ना पूरा क्रू वॉज मराठी, सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेर आई गॉन टू अ स्पेस एंड एवरीबडी वॉज टॉकिंग इन मराठी। तो वो ना मेरे लिए थोड़ा सा फनी हो गया था इन द स्पेस कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हो, क्योंकि इनिशियली पहुंचा था तो उतनी समझ नहीं आती थी मराठी मेरे को, आई एम वेरी न्यू टू महाराष्ट्र माई सेल्फ, सो आई वॉज लाइक ये चल क्या रहा है बॉस, तो दैट वॉज अ लिटिल फनी फॉर मी ऑन द इनसाइड। बट धीरे धीरे करके विद टाइम मुझे समझ आने लगी, आज मुझे समझ आ जाती है, बोल उतना फ्लुएंटली नहीं पाता हूँ और मुझे समझ डेफिनेटली आ जाती है, माला मराठी ये इतना ही, मुझे नहीं आती मराठी। इसका मतलब यही है कि मुझे मराठी नहीं आती है। ओके, मैं समझ लेता हूँ। लव आजकल में भी आपने काम किया है, राइट? तो इसके ओके फर्स्ट फिल्म ये आपकी है, तो कैसा लगा कार्तिक आर्यन के साथ काम करके आपको? जी बहुत ही बढ़िया लगा, ही वॉज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी ऑन सेट। वो मेरी पहली पिक्चर थी, मुझे फिल्म मेकिंग का एफ नहीं पता था, मैं एड्स में काम कर रहा था दिल्ली में और थिएटर करता आया हूँ जब से मैं 5 साल की उम्र का था दिल्ली में मंडी हाउस में। तो फिल्म सेट पे पहली बार पहुंचा था, वो भी मिस्टर इम्तियाज अली के फिल्म सेट पे पहुंचा, ये इसका तो सपना भी नहीं देखा था मैंने कभी कि ऐसा कभी होगा और ऐसा हो गया। तो जब पहुंचा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है लाइफ में मेरे साथ, इट वॉज टू ओवरवेलमिंग फॉर मी। तो उस समय फिल्म मेकिंग पता भी नहीं थी कि एक्शन कहाँ कैमरा लगा होता है, इतना सुना था कि हाँ कैमरा रोलिंग साउंड रोलिंग कट होता है, फिर उसके बाद एड्स में जितनी बेसिक शूटिंग करते करते अब लॉन्ग फॉर्मेट कभी काम नहीं किया था। तो दैट वॉज माई फर्स्ट एंड आई यूज टू आस्क हिम कि अभी कहाँ से शुरू कर रहे हैं सीन, आपके डायलॉग शुरू करेंगे मेरे डायलॉग शुरू करेंगे, हो क्या रहा है। मतलब फर्स्ट आपकी ये मूवी थी है ना, तो आपको नो डाउट बहुत सारी चीजें होंगी इसमें आपको समझना, एक्टिंग डायलॉग तो कैसा मतलब? देखिए बेसिस तो पता ही थे परफॉर्मेंस के, बट शूटिंग के बेसिस नहीं पता थे मुझे, जो शूटिंग के बेसिक्स थे वो मुझे बहुत टाइम लगा सीखने में, आज भी सीख ही रहा हूँ, बिकॉज इट्स एन एवर डे एवरी डे यू कीप ग्रोइंग काइंड ऑफ प्रोसेस, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इवॉल्विंग, देयर इज न्यू थिंग्स विच आर कमिंग इन, तो उस हिसाब से रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये आई थिंक हमारी ब्लेसिंग है हमारे काम की कि हम रोज कुछ नया सीख सकते हैं और वो इम्बाइब कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, सो दैट वेज उस समय तो बिल्कुल ही रॉ था, तो समझ आया मेरे को, समझाया गया कि कैसे होता है ये काम, तो अभी भी समझ ही रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो लोग बताएंगे कि कितना समझ पाया हूँ और कितना उनको देखने में पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, दैट इज अप टू देम। वेल आपने पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी काम किया और वो नो डाउट बहुत ही सीनियर एक्टर है, तो उनके साथ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके? बहुत ही बढ़िया था, वी डिडंट शूट एनी सीन्स टुगेदर दो इन क्रिमिनल जस्टिस, बट देयर वर टाइम्स व्हेन वी शूटिंग ऑन द सेम डेज टुगेदर, तो वो भी जैसे डॉक्टर आघाशे हो तो उनसे भी और उम्र में बड़े हैं डॉक्टर आघाशे, तो उस हिसाब से पंकज जी के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया और जितनी मुलाकात हुई उनसे, द थिंग अबाउट ग्रेट ह्यूमन बींग्स इज दैट आपको ना नेसेसरली उनके साथ कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता जिससे आपको बेनिफिट हो जाए, आप उनके सिर्फ इर्द गिर्द बैठते हैं ना तो उसी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड दैट इज समथिंग विच इज कॉमन विच आई फेल्ट विद ग्रेट पर्सनैलिटीज टूडे। इट स्टार्टेड विद लाइक मिस्टर इम्तियाज अली व्हेन आई वॉज वर्किंग देयर, बिकॉज इज अ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, सो मच विच ही हैड टू गो अहेड एंड डू, आई वुड देयर वुड बी डेज जब मैं खुद शूट नहीं कर रहा था बट मैं जाके बस बैठ जाता था, अच्छा यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है, अच्छा ये कर क्या रहा है, ये कैमरा के पीछे ऐसा बड़ा सा बूम टाइप का, ये झाड़ू टाइप का माइक पकड़ के क्यों खड़ा है, होता क्या जब ये लगा हुआ है लेपल, तो उसकी क्या ज़रूरत है फिर, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं पता थी, बस दिखती थी, समझ नहीं आ रहा होता था क्या हो रहा है, तो वो सब मैं जाके देखता था, एंड आई वुड सी हाउ ही वुड गो एंड टॉक टू एवरीबडी एंड टेक एवरीबडी अंडर हिज आर्म्स एंड हिज शेल्टर, तो उनसे बहुत सीखने को मिला सिर्फ देखते देखते, काम तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे बट उनको उसके अलावा देखने से बहुत कुछ सीखने को मिला, फिर डॉक्टर आघाशे से बहुत कुछ ऐसे देख के सीखने को मिला एज एन एक्टर, हाउ टू रोमांटिसाइज विद द कैमरा, आज आरी का बढ़िया सा आपने रेट्रो रील बना रखा है ये, तो हाउ डू यू गो अहेड एंड रोमांटिसाइज विद इट, इसके साथ इश्कियाँ कैसे लड़ाते हैं वो उनसे थोड़ा बहुत सीखा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी लड़ा पाऊँ, एंड पंकज जी तो इज़ अ अनडाउटेडली एन अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल एक्टर,
ही इज एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन फिल्म्स टुडे एंड सीरीज टुडे. जहां देखते हैं वहां पंकज जी जरूर दिखते हैं. जो भी देखते हैं उसमें दिख जाते हैं सर. सो दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव एज एन एक्टर दैट यू गो अहेड एंड गेट दैट काइंड ऑफ वर्क एज वेल अपार्ट फ्रॉम द एडिलेशन ऑफ पीपल. तो बहुत ये कॉमन ट्रेट मेरे को ऐसा लगा है जो ग्रेट बींग्स हैं उनके बीच में है कि आप उनके पास इर्द गिर्द जाकर चुपचाप कोने में बैठ जाओ, बस आपका वर्कशॉप वहीं हो जाएगा पूरा. अच्छा वैसे अगर फेवरेट एक्टर की बात करें तो मिस्टर रणबीर कपूर इज माय फेवरेट एक्टर. उनसे इंस्पायर हुए हैं आप? जी बिल्कुल हुए हैं. एज अ बॉय आई रिमेम्बर आई वाज मच यंगर, ये जवानी है दीवानी हैड कम आउट एंड हमारे टाइम की DDLJ है वो. हम लोग को सबको बनी की तरह उड़ना भी है गिरना भी है रफ्तार चाहिए बस रुकना नहीं था. So I'm definitely inspired by that character which was played by him and his filmography is also such. He's done films like Rockstar, Tamasha. Those films are like masterpieces as a performance and Barfi and his filmography is such which I feel is so vast and is so versatile at the same time. The way he's so effortless in front of the camera is something which is just beautiful to have as an actor. We can only try our level best to even match that to a percent and I think then that'll be enough. So wo hai mere sabse favorite actor India mein. एक्ट्रेस की बात करें तो मिसेस आलिया भट्ट कपूर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है. मतलब एक ही घर के दो लोग पसंद है आप? जी एक्चुअली मुझे मिसेस रणबीर कपूर पसंद थे ना, तो उनको जो जो पसंद आने लगा मेरे को पसंद आने लगा, मैं क्या करूँ. नहीं जोक्स अपार्ट आई रियली अप्रिशिएट हर एज एन एक्ट्रेस एज वेल. आई मीन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज शी इज गिवन इज क्रेजी, इज माइंड बॉगलिंग. इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं एंड अगेन सो एफर्टलेस. आई थिंक द quotient of effortlessness is something which is so naturally there no with them is something which is magical. So I think that is something which I also aspire to achieve in my practice, to be able to be just be there, you know, and not try to do things happen. So that agar aap by chance actor nahi hote to kis profession mein jana pasand karte? By chance I know ki aap bachpan se actor banna chahte the. Nahi ye question ka to jawab hi nahi hai kyunki actor hi banna hai. क्योंकि जब से मैंने बोला ना, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब से होश है मुझे यही करना है. तो या तो ऐसा रहता होता कि बचपन में मैंने सोचा मैं क्रिकेटर बनूंगा या मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा या लॉयर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा और फिर मैंने ये पाथ चूज किया होता. मेरे को जब पता ही यही है ये करना है और अब ये करने को मिल रहा है तो फिर मतलब ये तो फिर खुद के साथ गद्दारी हो गई. मेरे बचपने के साथ मैं गद्दारी करूंगा अगर मैं बोलूंगा कुछ और. सवाल ही नहीं है, देयर इज नो प्लान बी, ओनली वन प्लान. आप किस टाइप की मूवीज या वेब सीरीज करना ज्यादा पसंद करेंगे? जी ऑनेस्टली मेरा तो मन है कि मैं वो धर्मा वायरफ का हीरो बनूं जो हिल्स में स्नो में ऐसे डांस कर रहा है. रोमांटिक फिल्में करूं बिल्कुल, रोम कॉम करूं. ऑफ कोर्स वो देख के तो हम लोग बड़े हुए हैं. कभी खुशी कभी गम देख के वो सीक्वेंस परफॉर्म कर करके मैं बड़ा हुआ हूँ. मेरी मम्मी मिसेस जया बच्चन बनती थी, थाली लेकर आ जाई हुई है मेरी मम्मी यहाँ पे साथ इंटरव्यू में. वो थाली लेकर वेट करती थी मेरा स्कूल से आने का. वो बस मेरी चॉपर होता था, मैं उससे उतर के भाग के जाता था एज इफ वो चॉपर रुक रहा है एंड बज रहा होता था मेरे बैकग्राउंड में मेरे दिमाग में. तो वो फिल्मी कीड़ा बचपन से है मेरे अंदर और इस टाइप का काम करना चाहूँगा. इसके अलावा लार्जर देन लाइफ हो गया ये थोड़ा. फिर उसके बाद आजकल कॉन्टेंट हैज बिकम वेरी रिलेटेबल, जिससे आप जैसे हमारी सीरीज दो गुब्बारे है, सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी निकले हैं, किसी और जगह गए हैं और उस घर को अपना, उस अनजान शहर को अपना बनाया है, राइट? सो इन दैट स्पेस आई वुड लाइक टू गो अहेड एंड से दैट वी आर गोइंग अहेड एंड बिकमिंग मोर रियल कंटेंट ऑडियंसेस. हम लोग रियल चीज़ें देखना चाह रहे हैं जो आजकल चल रही हैं, जो हम एज ह्यूमंस एज लिविंग बींग्स हियर को रिलेट कर पा रहे हैं, ताकि खुद से रिलेट कर सके. तो रियल कंटेंट ज्यादा बन रहा है, वो लार्जर देन लाइफ वाला थोड़ा सा एसेंस सिनेमा हॉलों में है, वो ओटीटी में नहीं. सीन वो चीजें फिल्म बड़े पर्दे पे ही अच्छी लगती है. करेक्ट. नहीं रोमांस करिए, रोमांस सबके रियल लाइफ में भी बहुत जरूरी है. लाइफ इज वेरी बोरिंग विदाउट लव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लव इन रियल रेट्रोस्पेक्ट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग टू हैव. आज का हीरो जो मेरे को लगता है मेरी डेफिनेशन है वो ये है कि वो रोता भी है. रोनी बुरी चीज नहीं है, उसकी भी इनसिक्योरिटीज है लाइफ में. वो मिस्टर परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी खामियां हैं, लेकिन उन सब खामियों से ज्यादा उसकी अच्छाइयां हैं जो उसे टेक ओवर करती हैं और एक हीरो बनाती हैं. एंड दैट इज व्हाई पीपल विल लव दैट कैरेक्टर एज अ हीरो.
ओके, अब अगर आपके अपकमिंग वर्क्स की बात करें तो जी क्या किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? एक और सीरीज आ रही है जो हमारे नॉर्थ की ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, दिल्ली से हैं हम लोग, दिल्ली में बात कर रहे हैं, उसका नाम है चमक, एक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पे शो है, हिंदी में है और सोनी लिव पे आ रहा है, 2 सीजन है इसके, ये आएगा September 1st week में। इसका जो कैरेक्टर है वो रोहित से एकदम हटके है, बिल्कुल डिफरेंट, अगर रोहित वाइट है तो फिर ये ब्लैक है, एकदम ही अलग है, ये अगर राइट है तो ये एकदम रॉन्ग है, एकदम पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल है ये दोनों। तो नो डाउट दोनों काम आपने कर लिए, तो आपको किसमें ज्यादा मजा आया? ओह दिस इज अ वेरी टफ वन, ये अभी तक मेरे से किसी ने पूछा नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं रोहित मैं हूँ मेरी रियल जिंदगी में, मैं ऐसा सोचता हूँ हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें हम पोर्ट्रे करते हैं एज एक्टर्स एज अभिनेता, हम लोग अपनी जिंदगी से इंस्पिरेशन लेते हैं उसकी और उसको कहीं ना कहीं ट्वीक करके उसकी क्वालिटीज अप करके वो कैरेक्टर बनाते हैं। बट जो चमक का कैरेक्टर है, आई मीन रोहित, इट्स नॉट दैट रोहित वॉज अ टफ कैरेक्टर फॉर मी, द पार्ट विच वॉज टफ एट दो गुबारे वॉज कैरिंग द होल सीरीज ऑन योर बैगेज, इट वॉज माई फर्स्ट लीड, तो पूरा खुद करना कुछ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टास्क होता है, आपको हर इंसान की एनर्जी मैच करनी पड़ती है उसमें जो आपके इर्द गिर्द, एंड यू हैव टू बी एबल टू गिव इट टू दैट, सो दैट वॉज द टास्क, नॉट द कैरेक्टर एज सच। एंड वेन इट कम्स टू दिस कैरेक्टर जो एकदम ही अलग है, वो मेरे रियल लाइफ से भी एकदम ही अलग है, सो इन ऑल सॉर्ट्स, अब मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूंगा नहीं तो यू विल गेट स्पॉयलर्स फॉर द शो, सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, तो आई थिंक दैट इज मोर टफ फॉर मी एज एन एक्टर टू गो अहेड एंड क्रिएट दैट स्पेस, बिकॉज मैं रियल लाइफ में मोर लाइक रोहित हूँ, तो दैट इज कम्प्लीटली ग्रे एरिया, ग्रे नहीं ब्लैक ही है वो, ब्लैक ही है। सो दैट इज देयर, देन देयर इज अ हॉरर फीचर फिल्म जिसका नाम है बोक्सी, नेपाली में भूत को बोक्सी बोला जाता है, एंड इट्स बेस्ड आउट ऑफ, दिस फिल्म इज बीन शॉट इन नॉर्थ ईस्ट, द डायरेक्टर इज ऑल्सो फ्रॉम देयर फ्रॉम गुवाहाटी, एंड इट कम्स आउट नेक्स्ट ईयर, वी स्पेंड 2 years शूटिंग द फिल्म, इस साल पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, होपफुली वील डू अ फेस्टिवल रन दिस ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग, एंड देन अ सिनेमा रिलीज एंड OTT रिलीज, सो दैट इज देयर इन द पाइपलाइन, आई हैव ऑल्सो शॉट फॉर अनदर लीड विद अ लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म जिसका भी जस्ट एक स्केड्यूल खत्म करा, फिर मैं दिल्ली आया थोड़ी बातचीत करने दो गुब्बारे के बारे में, देन आई विल गो बैक टू बॉम्बे एंड रिज्यूम शूट फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी उसकी शूटिंग चली रही है और प्लेटफॉर्म ने अभी अनाउंस नहीं किया है उसको एज सच, बट सिंस घर पे हूँ तो घर वालों को एक टिप जरूर देके जाता हूँ, इट्स अ रोम कॉम, इट्स अ ट्रायंगल विद नो एंगल, सो लेट्स सी हाउ यू गाइज रिसीव दैट, इट्स अ मच लाइटर शो, सो दिस इज एकदम फील गुड स्लाइस ऑफ लाइफ, देर इज हॉरर, देर इज ब्लिंग पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, चमक ग्रे एरिया, ब्लैक कैरेक्टर, डार्क कैरेक्टर, एंड रोहित ऑफकोर्स मिस्टर राइट, एंड देन देर इज दिस रोम कॉम डूड जिसमें दो लड़कियां और ये लड़का है, तो हर जगह अलग अलग टाइप की चीजें करने को मिल रही हैं, मजा आ रहा है, मजा लेने का टाइम है, तो अभी मजा करने को मिल रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, आपसे बात करके नो डाउट बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, जो भी आपने अभी बातें हमसे की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, हम भी चाहेंगे कि जिस टाइप की आप फिल्में चाहते हैं, रोमांटिक या जो भी चाहते हैं, आपको जल्द से जल्द मिले, बिल्कुल होपफुली आप लोग का प्यार बना रहे तो डेफिनेटली मिल जाएगी, आप लोग दुआ में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह काम तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दो गुब्बारे इफ यू हैवंट ऑलरेडी सीन इट। जी जैसा सिद्धार्थ ने आपको बोला है कि देखना है तो बिल्कुल जाके देखिए, क्योंकि जो दो गुब्बारे मूवी है ना, आप इससे कनेक्ट जरूर करेंगे, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए जागरण.com के साथ।